योगी बाबा के पास पहुंचा बंगाल का युवक, कहा बचा लो बाबा। योगी ने कहा मैं तो यूपी का सीएम हूं। फिर लड़के ने जो कहा उसे सुन योगी भी सन्न रह गए। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह से गोरखपुर पहुंच रहे लोग। योगी प्रधानमंत्री नहीं, फिर भी शिकायत पूरे देश से आने लगी है। योगी की सुरक्षा में मुस्तैद अधिकारी भी चकरा गए, जब आवेदन पर देखा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार का पूरा पता। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार लगा था, पूरे प्रदेश से सब समस्याएं लेकर पहुंचे थे। तभी एक युवक के पास योगी पहुंचे, आवेदन देखा और कहा कि तुम तो बंगाल से हो, फिर यहां क्यों आए? मैं यूपी का मुख्यमंत्री हूं, तुम्हारे प्रदेश का नहीं। तो उस लड़के ने कहा कि बाबा आप ही हमें बचा सकते हो, आप भले ही यूपी के सीएम हो पर हिंदुओं की रक्षा आप ही करते हो, मुझे न्याय चाहिए। योगी ने ये बात सुनी वो सन्न रह गए। कहा जा रहा है कि उसके बाद उन्होंने सीधा बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को फोन लगाया और कहा कि एक व्यक्ति हमारे पास आपके राज्य से समस्या लेकर आया है। हो सकता है ममता बनर्जी को ये रास ना आए, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं की क्या हालत है इससे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। वहाँ रामनवमी और दिवाली का त्योहार भी सुकून से नहीं मना पाते हैं। ईद का जुलूस निकलता है पर विजयदशमी के जुलूस पर पाबंदियां शुरू हो जाती हैं, जिसे लेकर ममता बनर्जी बराबर बीजेपी के निशाने पर रहती हैं। और ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये मामला सियासत से जुड़ा है। हमने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि सीएम योगी के पास ऐसे कितने लोगों की शिकायत अब तक पहुंची है। वैसे भी योगी प्रधानमंत्री तो है नहीं, फिर भी देश भर से शिकायत लेकर उनके पास लोग क्यों आ रहे हैं, इसे जानने के लिए जब योगी के खास अधिकारियों से संपर्क किया गया तो पता चला पश्चिम बंगाल से एक युवक आ जाया था, लेकिन इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार से भी कई लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास अपनी शिकायत लेकर आ चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़े झटके की तरह है। जनता दरबार तो ये सारे लोग लगाते हैं, बावजूद इनके राज्य की शिकायत गोरखपुर पहुंच रही है। तो सवाल है कि क्या उन लोगों ने योगी को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अपना सर्वमान नेता मान लिया है, या फिर वो कहना चाहते हैं कि योगी बाबा आपसे बहुत उम्मीदें हैं, अगर आप कल को प्रधानमंत्री बने तो ऐसे ही जनता दरबार जरूर लगाते रहिएगा। हालांकि ये चारों राज्य वैसे हैं जहां बीजेपी की विपक्षी पार्टी की सरकार है, तो विपक्षी नेता ये भी दावा कर सकते हैं कि इन्हें जानबूझकर भेजा जा रहा है और एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है। पर सवाल है कि आम जनता तो वहीं जाएगी ना जहां उससे पता होगा कि समस्या का समाधान मिलेगा। योगी सिर्फ समस्या नहीं सुनते, ये तस्वीर देखिए, जो माएं अपने बच्चों को साथ लेकर जाती हैं, उन्हें योगी जेब से निकालकर चॉकलेट देते हैं, दुलारते हैं, फिर कहते हैं मन लगाकर पढ़ो, किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें बताओ, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें दोबारा यहां पर ना दौड़ना पड़े। मुख्यमंत्री के पास जितनी भी समस्याएं पहुंचती हैं उनमें से कई मामले जमीन विवाद के हैं, जिन्हें लेकर इस बार भी सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि अवैध कब्जा तुरंत हटवाइए। सरकारी जमीन हो या फिर प्राइवेट, अगर किसी ने उस पर कब्जा करने का दुस्साहस किया है तो सीधा बुलडोजर लेकर जाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, जनता दरबार में पहुंचने वाले कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि योगी इन जनता दरबारों में पहुंचने वालों की मदद दिल खोलकर करते हैं। अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा वो जनता दरबार में आने वाले उन लोगों की मदद में लगा देते हैं जिन्हें सरकारी मदद किसी कारण से नहीं मिल पाती। पहले तो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ही ये जनता दरबार लगता था, लेकिन जब से सीएम योगी बने हैं लखनऊ इनके आवास पर हर सोमवार को जनता दरबार लगता है। आप भी यहां पहुंचकर अपनी शिकायत दे सकते हैं, सीएम योगी से सीधा मिल सकते हैं, घर बैठे 1076 पर कॉल कर भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो सीधा सीएम योगी से मिलिए। हर सोमवार सुबह 9 बजे जनता दरबार शुरू हो जाता है और इसके लिए आपको ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है ना ही कोई पैरवी चाहिए। सीधा मुख्यमंत्री से मिलिए, दिक्कत बताइए, समस्या दूर होगी।